हे गाइस, सो अभी ये इंट्रो नहीं है, लेकिन एक नंबर है आपको याद रखना है 10K, एंड ये रहा वो इंट्रो। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइस, इस वीडियो में हम लोग ईयरबड के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे करंटली अभी मैं सैमसंग का गैलेक्सी बड्स 2 यूज कर रहा हूँ, एंड अगर आपने इसका रिव्यू नहीं देखा है तो मैंने लिंक दे दिया, आप देख सकते हो। वैसे जैसा मैंने रिव्यू में बताया था वैसा ही ये काम कर रहा है, लेकिन आज इसके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। बात करने वाला हूँ सैमसंग का एक और बर्ड जो 2020 में लॉन्च हुआ था एंड अभी 2023 चल रहा है। सो ये है आपका बर्ड्स लाइफ, मुझे 4000 का पड़ा। वैसे रिफर्बिश्ड आप लेने जाओगे अमेजन से तो किस्मत अच्छा रहा तो 2500 तक आपको मिल जाएगा। बाद बाकी कैसा है ये डिवाइस एंड 3 साल बाद कैसा ये काम कर रहा है, चलिए देखते हैं इस वीडियो में, एंड कैसा है इस डिवाइस का परफॉर्मेंस ये भी जानेंगे। देखिए, पुराना डिवाइस है एंड इसके बारे में छोटा ही बात करेंगे, आपके काम का बात करेंगे। बाद बाकी एक चीज़ याद रखिएगा कि 10,000 एंड इस वीडियो के बीच में कुछ कुछ वीडियोस आएंगे, उस पर भी ध्यान रखिएगा। सो ये है आपका सैमसंग गैलेक्सी बर्ड्स लाइव, 2023 का एंडिंग चल रहा है, सो साल ख़त्म होने वाला है। सो एक चीज़ मैं बता देता हूँ कैसा काम करता है, उसके बारे में बात करते हैं। स्टाइल यूनिक सा अलग देखने मिलता है, आप देख ही सकते हो। ईयर वेंट भी मिलता है, मतलब प्रेशर कम फील होता है। नॉर्मली जो हम लोग ईयरबड्स यूज़ करते हैं उसमें अगर वेंट नहीं देखने मिलता है तो ऐसा लगता है जैसे कुछ दबाव पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है सॉन्ग सुनते वक्त, या आप वर्कआउट करोगे तो वहाँ पर आपको फील होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि फिटिंग कैसा है। तो फिटिंग को मैं कम्फर्टेबल ही मानूंगा, अच्छा फिटिंग है, ईयर शेप में है, बीन शेप में है, एंड आराम से आपका कान में फिट हो जाता है। कंट्रोल की बात करें तो इजी टू यूज़ है, म्यूज़िक हो या कॉल हो कंट्रोल अच्छा है। नॉइज़ कैंसलिंग दिया हुआ है एप्लीकेशन, आप अगर वियरेबल ऐप यूज़ करते हो इंस्टॉल करके तो आपको देखने मिलेगा, लेकिन मैं नॉर्मली इसको मानता हूँ कुछ खास काम नहीं करता है। सो गाइस, सबसे पहला चीज़ है आपको याद रखना है, लास्ट हेडफोन का जो गिव अवे मैंने किया था उसमें मैंने बताया था जिसके कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होगा, इस वीडियो में भी आपको सबसे ज़्यादा कमेंट पे अपने कमेंट पे लाइक चाहिए। दूर से करवाओ जैसे करवाना है आपके ऊपर है, मिनिमम 100 लाइक्स मिनिमम, उससे कम हुआ तो नहीं काउंट किया जाएगा, मिनिमम 100 लाइक्स कमेंट पे। पुराना डिवाइस भी है, 3 साल होने चला। बाद बाकी कुछ कंट्रोल्स को आप एप्लीकेशन में भी चेंज कर सकते हो, इक्वलाइजर है उसको आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, सिंगल टैप, डबल टैप या ट्रिपल टैप या होल्ड, ये सब आप अपने अकॉर्डिंग जैसे जैसे यूज करोगे आपको समझ में आ जाएगा। बाद बाकी कुछ स्पेशल नहीं है, नॉर्मल यूज़ है, गेमिंग मोड आपको एप्लीकेशन में देखने मिलता है लेकिन उतना अच्छा काम नहीं करता है। तो गाइज, आपने अभी कनेक्टिविटी देखा एंड साउंड क्वालिटी देखा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिटिंग कैसा है। तो ये तो पुराना डिवाइस था, बर्ड्स 2 था, ये रहा वो डिवाइस आपका बर्ड्स लाइफ, एंड ये रहा आपका इसका फिटिंग। फिटिंग कम्फर्टेबल है एंड इसका अच्छे से आप फिट हो जाएगा, आप नॉर्मल कहीं भी डे टू डे यूज़ कर सकते हो, आपका आराम से कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा ही लगेगा कि बस अलग सा डिज़ाइन है, एंड डिज़ाइन भी अलग ही है लेकिन आपको कान में जरा सा भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैसे ये काम करता है। वैसे अभी यहाँ पे आप देख सकते हो एक गाना है जो पॉज है, नाउ इसको मैंने कान में डाला, अभी एक हाथ मेरा बिजी है इसलिए मैं एक से यूज़ कर रहा हूँ, तो ये प्ले हुआ। अभी देख सकते हो ये मैंने लेफ्ट वाला लगा रखा है, सो वॉल्यूम फुल, तो टच से आप इसको होल्ड करके रखोगे तो आपका वॉल्यूम धीरे धीरे क्या होगा, डाउन हो जाएगा। एंड अगर आप दोनों यूज़ करते हो, अगर आप चाहोगे तो इसमें इन ईयर डिटेक्शन है, अगर इसको खोल दोगे तो क्या होगा, आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा, वैसे बंद हो जाएगा। इसमें ब्लूटूथ 5.0 है क्योंकि 2020 का, ठीक है, 2023 चल रहा है, तो कुछ इस तरह ये काम करता है, एंड और भी बहुत सारे ऑप्शन है जो अभी आप वीडियो में देखोगे। दूसरा चीज़ आपको याद रखना है, इस वीडियो पे मुझे मिनिमम मुझे चाहिए 10K व्यूज, साथ ही साथ कमेंट पे तो मुझे लाइक चाहिए ज़्यादा, कब तक, 20 फरवरी तक। 20 फरवरी को रात में 11-12 के बीच में मैं अनाउंस करूँगा रिजल्ट, अगर नहीं हुआ तो फिर तो भैया किसी को मिलेगा ही नहीं, लेकिन ट्राई कीजिएगा, 10K व्यूज़ मिनिमम आप लोग कर सकते हो, प्लीज़ कर लीजिएगा। पोर्टेबल है, इजी टू कैरी डिवाइस है, वेल बिल्ट है, साउंड क्वालिटी अच्छा है, साउंड के बारे में भी बात करते हैं। बाद बाकी अगर मैं केस की बात करूँ तो डेंस प्लास्टिक, मोटा प्लास्टिक का है, बाहर में ग्लॉसी लुक है, अंदर में मैट फिनिश के साथ आता है। एंड याद रखिएगा, थोड़ा एक चीज़ है जो आपको थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगेगा कि ये जो है आपका IPX2 रेटिंग के साथ ही आता है, मतलब हल्का फुल्का स्प्लैश से बचाएगा, हल्का फुल्का बारिश हो रहा है उससे बचाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं बचा पाएगा। साउंड कैसा है उसके बारे में बात कर लेते हैं, तो पुराना डिवाइस है, सैमसंग का डिवाइस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ दैट
वेल बैलेंस बोलूँगा, बेस अच्छा है, साउंड प्रोफाइल अच्छा है। मतलब अगर आप रॉक सॉन्ग सुनना पसंद करते हो या EDM सुनना पसंद करते हो, तो थोड़ा थोड़ा आपको लग सकता है कहीं लैग करता हुआ दिखेगा। बाकी आप गैलेक्सी ऐप में आप इंस्टॉल करते हो, वहाँ पे इक्वलाइजर का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप चूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आपको कौन सा कंफर्टेबल है, आप किस में सुनना ज़्यादा पसंद करते हो, वो आप चूज़ कर सकते हो। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉइज़ कैंसलिंग काम करता है बट उतना नहीं करता है, तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगेगा। लेकिन ये भी याद रखना है कि पुराना डिवाइस है, 4,000 की, यहाँ तक कि 2,500 तक में आपको मिल जाएगा, तो उतना प्रॉब्लम देखने नहीं मिलता है। एंड तीसरा चीज़ ये है, इम्पॉर्टेंट है दैट आपको इस वीडियो को लाइक भी करना है, देखना तो है पूरा ही देखिएगा, साथ ही साथ कमेंट भी करना है, शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स फैमिली सर्कल जो भी है उनको कीजिए, साथ ही साथ मुझे मेरा इंस्टाग्राम पे जाकर जो कि आपको लिंक नीचे दिया हुआ है वहाँ पर जाकर मुझे ये बताना है कि आप पार्टिसिपेट कर चुके हो। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, वहाँ पे भी गिव अवे आया था, कम था इसलिए किसी लकी विनर को जल्दी मिल गया, लेकिन याद रखिएगा और भी गिव अवे आने वाले हैं बहुत सारे ईयरबड्स के साथ, तो यस जल्दी से फॉलो कर लो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो देखिए। बाकी कॉलिंग डिसेंट है, बैकअप भी ठीक ठाक देखने मिल जाता है। नॉर्मल यूज़ करने पे, अगर मैं नॉर्मल यूज़ कर रहा था, तो आराम से एक दिन, मतलब 24-25 घंटा आपको बैकअप देखने मिल जाता है। एंड याद रखिएगा, मल्टी डिवाइस पेयरिंग आपको देखने नहीं मिलेगा। एंड याद रखिएगा, सैमसंग वियरेबल ऐप जो है वो इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कैसे क्या काम करता है। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं है। सो ओवरऑल यूज़ करने के लिए अगर आप लेना चाहते हो, डे टू डे यूज़ करने के लिए आप लेना चाहते हो, तो नया आपको 4,000 तक मिल जाएगा, एंड सेकेंड वाला मतलब रिफर्बिश्ड आपको 2,500 तक मिल जाएगा। बाकी जो चीज़ आपको मैंने बताया, वीडियो तो आपने देखा ना, बीच बीच में क्लिप था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके रिपीट करके देखिए। आपको याद रखना है 10K व्यूज़ एंड 20 फरवरी। बाकी सो गाइज यही था आपका सैमसंग का बर्ड्स लाइफ। अभी देखा जाए तो मार्केट में सैमसंग का बनाया हुआ सबसे सस्ता बर्ड्स आपको यही मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया किस पास अच्छा रहा तो 2,500 तक आपको मिल जाएगा रिफर्बिश्ड। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हुआ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, एंड ऐसे ही वीडियोज आते रहेंगे। तो मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक लिए ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।